बढ़ते हुए बिजली के बिल और बढ़ती हुई गैस की कीमतों से छुटकारा पाइए। अपने घरों में सोलर पैनल और सोलर प्रोडक्ट्स लगवाइए, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रविश बाहेती, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के एमपीबी कार्यालय में आज आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारी कर्मचारी ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और जमकर नारेबाजी की। उनका ये कहना था कि जिस कंपनी में वो काम करते हैं उस कंपनी ने कभी भी उन्हें टाइम पर वेतन नहीं दिया और जो ईपीएफ होता है वो भी सरकार के खाते में जमा नहीं किया। इसके अलावा और जो सुविधाएं कंपनी की तरफ से मिलनी चाहिए वह उन्हें नहीं मिल रही हैं और लंबे समय से वह कंपनी से अपनी मांग रख रहे हैं, परंतु कंपनी और सरकारी कर्मचारी एमपीपी के अधिकारी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आइए उनकी पूरी बात आपको सुन। ये हम सबसे पहले बताना चाहते हैं, बिजली कंपनी में सब आउटसोर्स कर्मचारी है और बिजली कंपनी हर दो वर्ष में किसी कंपनी को ठेका देती है। तो अप्रैल 2021 से बिजली कंपनी ने दिल्ली वाली ओरियन कंपनी को ठेका दिया। तो 1 अप्रैल 2021 से आज तक ओरियन कंपनी ने कभी भी समय पे वेतन नहीं दिया और आज तक हमारा ईपीएफ जमा नहीं किया। तो बिजली कंपनी को हमने जैसे ही हमारा ये कंपनी ने समस्या उत्पन्न करी उसके बाद से हर माह अवगत करा रहे हैं कि समस्या हर बार लेट डाल रहा है और ऊपर से ईपीएफ नहीं जमा कर रहा है। तो हमें आश्वासन देते रहे हम आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो लेकिन अधिकारियों ने आज तक उस कंपनी पर न कार्रवाई की, न हमें एक भी बार सिर्फ दीपावली का त्यौहार देख के उस समय पेमेंट आई, उसके बाद से अभी तक एक भी बार समय पर पेमेंट नहीं आई और अभी भी नवंबर माह की पेमेंट अभी तक नहीं आई है। और कोई भी अधिकारी हमें लिखित में आश्वासित नहीं कर रहा है कि नवंबर माह की तनख्वाह आपको इतनी तारीख तक मिल जाएगी। कब से पेमेंट नहीं मिला आपको? ये अभी नवंबर माह की जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं हुई है और ईपीएफ दिन हो गए और ईपीएफ जो हर माह कटना चाहिए वो एक भी माह का नहीं कटा है। और अधिकारी ये कह रहे हैं कि कंपनी को टर्मिनेट करने की प्रोसेस चल रही है। तो हमारा अधिकारियों से ये मांग है कि अगर कंपनी टर्मिनेट होती है तो उस दौरान मतलब हमारा ईपीएफ की राशि है तो वो कौन देगा, क्योंकि पूर्व में भी हमारे साथ ये हो चुका है। अगर कंपनी को टर्मिनेट या ब्लैकलिस्ट करते तो हमारा ईपीएफ का पैसा डूबा है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 2016 से 17 में पवन बूटे का जो ठेका था उस दौरान मेरा ईपीएफ नहीं आया। कंपनी को बार बार बोलते रहे अधिकारियों को, बोले हम बैठे हैं। जैसे ही पवन बूटे का कार्यकाल खत्म हुआ तो बोले कंपनी वालों ने बोल दिया हमारा उससे कोई मैटर नहीं रहा। मैं आज वकीलों के चक्कर काट रहा हूँ। तो हमारा कंपनी के अधिकारियों से यही निवेदन है कि हमें आश्वस्त कर दे कि अगर ओरियन कंपनी किसी भी प्रकार से ब्लैकलिस्टेड या टर्मिनेट होती है तो आपके ईपीएफ का जो पैसा है वो हम देंगे या हमारी कंपनी दिलाएगी। और इसमें कुछ अधिकारी हमारे कर्मचारियों को मतलब ये बोल रहे हैं कि हम आपको काम से निकाल देंगे। तो सर आप काम पे किस आधार पे निकाल रहे हो? हम हमारा हक मांग रहे हैं, हमको पेमेंट चाहिए, हम काम क्यों निकाल रहे हैं? कितने कर्मचारी हैं आप लोग? लगभग इससे तो पूरे जिले में 900 कर्मचारी है। तो अभी हम खंडवा टाउन के सभी कर्मचारी हैं हड़ताल पे हैं और अगर किसी भी कर्मचारी को किसी भी अधिकारी ने हटाया तो बाकायदा, क्योंकि हम अधिकारी को बोलते हैं तो बोलते हैं तुम ओरियन कंपनी के आदमी हो। तो हमारा कहना है कि आप ओरियन कंपनी को अधिकृत कर हटाने के लिए और ओरियन कंपनी का आदमी आए और हमें लेटर दे कि आपको हटाया जा रहा है, हम ओरियन कंपनी से बात करेंगे। क्योंकि आप ये बोलते हो कि ओरियन कंपनी के का कर्मचारी हो, तो हमारा यही कहना है कि ओरियन कंपनी का आदमी आया और हमको हटाए, क्योंकि हम काम क्यों बंद कर रहे हैं? हमारे को पेमेंट नहीं मिल रहा। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे हम? तो काम तो बंद कर ही रहे हैं, इसके बाद हम कानूनी रूप से भी कार्रवाई करने के लिए हमको तत्पर होना पड़ेगा। जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है कानूनी रूप से हड़ताल, तो जब तक हमें लिखित में कोई भी अधिकारी कंपनी बिजली कंपनी का अधिकारी ये नहीं दे सके कि आपका ईपीएफ हम देंगे, क्योंकि एक एक कर्मचारी का लगभग 20,000 से ज्यादा का ईपीएफ है और पेमेंट समय पे आएगा। तो क्योंकि कोई भी अधिकारी परिचय दे दीजिए अपना। जी मैं रुपेंद्र राठौर हूँ, अभी मौखिक तौर पे मुझे खंडवा आउटसोर्स शहर का मतलब अध्यक्ष बनाया गया है।